द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के त्रिपाठी। यूपी के जनपद रायबरेली कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन के बाद अब गैर जनपदों में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे लोग अपने अपने घरों में लौटने लगे हैं। इसी तरह रायबरेली जिले के बॉर्डर में प्रवेश करने वाली बसों को रोक कर आए हुए यात्रियों का मेडिकल करने के बाद उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि संक्रमण एक दूसरे को न हो। ऐसी कई बसों को चिरुआ बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा रोका गया, लेकिन जो गाइडलाइन संक्रमण से बचने के लिए बनी है उसे शायद यात्रियों ने फॉलो नहीं किया। एक बस में खचाखच भरे यात्री अपने घर के लिए जा तो रहे हैं लेकिन उन्हें संक्रमण का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। इस तरह की लापरवाही को यदि नज़रअंदाज किया जाएगा तो संक्रमण फैलने का खतरा भी बन जाएगा और लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। मैम, ये जो आपके जो बसें रोक के आप चेकिंग कर रही हैं, इसमें देखिए कितना कंजस्टेड है और सभी बसों में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सवारियां भरी हुई हैं, तो क्या ये इस तरह से जो है आप इन लोगों को जो है वायरस से बचाव कर सकेंगे? हम लोगों ने इनको बताया कि कैसे कैसे अपने आप को सेफ रखना है और अपने बुजुर्गों को बच्चों से दूर रहना है और एक पर्टिकुलर रूम में रहना है 14 दिन तक, बाहर नहीं आना है ना किसी के टच में आना है। नहीं, वो तो ठीक है। अभी बस में जो लोग जा रहे हैं या ये देखिए पीछे आपके जो भी लोग खड़े हुए हैं वो सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो क्या ऐसे इस वायरस से बचाव हो सकता है? तभी अपने घर को वापस जा रहे हैं। इनको हम लोग ने बताया है कैसे सावधानियां बरतनी है। नाम मुकेश तिवारी है, हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट से है और हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई चुरुआ बॉर्डर, जहां आप देख ही रहे हैं जो ये पैसेंजर फंसे हुए थे बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे जो बसें चलाई गई हैं, ये लोग कई पेशेंट कहीं रायबरेली, गुड़गांव, दिल्ली, एमपी, दूर दूर से आ रहे हैं, तो हम लोगों को बॉर्डर पर इसलिए लगाया गया है कि उनके हम लोग थर्मामीटर से चेकिंग कर सकें, ठीक है, उनका तापमान कितना है, कैसे क्या है, क्या नहीं है, उनका पूरा बायोडाटा, जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथी सब ये चीज़ कर रहे हैं। अगर किसी को नॉर्मल खांसी है या कुछ भी है तो हम लोगों की दवा प्रोवाइड कराई गई है, हम लोग दवा देते हैं। भैया आपका कहाँ से आ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट आप लोगों को दिया जा रहा है? तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? से आ रही है, कहाँ से आ रही है? हम लोग रहते हैं कोई दुर्गापुर पे, तो कितने दिन में चली हैं आप लोग जो है? 13 तारीख से हम निकले हैं और टिकट तो कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर हम लोग आरटीओ ऑफिस में गए, सुबह जाकर जब करके सब बच्चा लोग सबका दवाई ख़त्म हो गया था, खाना नहीं ठीक से मिल रहा था, फिर होटल में सब मुफ्त फ्री कर दिया था, लेकिन खाना तो बच्चा लोग का दवाई से ख़त्म हो गया था, सब बच्चा लोग सब हम लोग रोने बैठ के, अभी जाते आए तो अभी यहाँ पर आके इतना लाइन, डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।